हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। ठीक, तो कई लोगों को ये लगता है कि आफबाउ प्रिंसिपल में जो आफबाउ शब्द है ये साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, आफबाउ शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। ठीक, आफबाउ का नियम सबसेल में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए दिया गया था। ठीक, और आफबाउ के नियम ने हमें यह भी बताया, आफबाउ प्रिंसिपल ने हमें यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले सबसेल में पहले भर जाएंगे, यानी कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भरे जाएंगे, हायर एनर्जी वाले में बाद में भरे जाएंगे। ठीक, यानी कि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में भर जाएंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाले में भर जाएंगे। अब ये कैसे पता करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाला है और कौन सा हायर एनर्जी वाला है? इसको ज्ञात करने के लिए एन प्लस एल रूल था। ठीक, एन प्लस एल रूल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है और जो हमें ये बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाला है और कौन सा लोअर एनर्जी वाला है। एन प्लस एल रूल किसने दिया था? एन प्लस एल रूल बोर बरी ने दिया था। ठीक, समझ गए, अब चल लेते हैं आगे। लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज और, एन प्लस एल रूल में एन एन क्या होता है, एल क्या होता है, ये पता कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं। ठीक, ये सीख लेते हैं। देखो, एन जो होता है वो होता है, वो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। ठीक, और ये जो एल होता है, एल, ठीक है, एल को मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर साइड, एजी न्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, एल होता है एजी न्यूथल क्वांटम नंबर और एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। ठीक, अब चल लेते हैं आगे एन प्लस एल रूल की तरफ। एन प्लस एल रूल हमें ये बता देता है कि वन एस जो है, वन एस सबसे लोअर एनर्जी वाला है, टू एस उससे बड़ी एनर्जी वाला है, और टू एस से बड़ी एनर्जी वाला टू पी है, और टू पी से बड़ी एनर्जी वाला थ्री एस है। ये पूरा क्रम मैंने इस तरह से लिख रखा है एन प्लस एल रूल के हिसाब से। अब ज्ञात कैसे करते हैं कौन सा लोअर एनर्जी वाला है कौन सा हायर एनर्जी वाला है? मान लीजिए बोल दिया किसी ने कि फोर डी हायर एनर्जी वाला है, यह बता दीजिए 7p हायर एनर्जी वाला है। ठीक, तो तुमने फट से ये वाला ये देखा, ये क्रम देखा तुमने, तो तुम्हें पता चल गया कि 7p हायर एनर्जी वाला है, 4d कम एनर्जी लोअर एनर्जी वाला है। लेकिन लेकिन अब ज्ञात कैसे करते हैं? मान लीजिए हमको ये क्रम नहीं याद है, ठीक है, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे? ज्ञात करने के लिए देखो, एल की वैल्यू जो होती है, यानी कि एजी न्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल की वैल्यू एस वाले ऑर्बिटल के लिए, एस वाले ऑर्बिटल के लिए होती है एल की वैल्यू 0। ठीक है, पी वाले ऑर्बिटल के लिए एस की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, डी वाले ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 2। ठीक है, एफ वाले ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। समझ गए, अब देखिए यहां पर लिख लेते हैं एन की वैल्यू क्या होती है। एन की वैल्यू जो देखिए 4d में 4 लिखा हुआ है ना, 4 यही है एन, ये एन की वैल्यू है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए एल की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, डी वाले ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है 2 है, यही 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो एन प्लस एल रूल लगा दिया, एन प्लस एल। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 4, एल की वैल्यू क्या आ गई 2, 6 हो गया, इसकी वैल्यू आके निकल के आ गई 6। अब आ जाते हैं 7p वाले पे, तो हमने लिख दिया n की वैल्यू क्या है 7 है, l की वैल्यू क्या है p वाले ऑर्बिटल के लिए 1 है। ठीक, तो हमने लिख दिया n प्लस l, ठीक है, तो 7 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। तो किसकी संख्या ज्यादा है, 7p वाले की ज्यादा है, तो 7p वाले की एनर्जी 4d वाले से अधिक होगी। ठीक है, अब ये समझ गए। अब एक चीज और है n प्लस l रूल में, वो हम देखते हैं अगले पेज में। ठीक, ये लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट वो वही चीज है, लेकिन एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि देखिए 3s वाले की एनर्जी ज्यादा है
या बता दो टू टू पी वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो तुमने फट से दिमाग लगाया, तुमने एन की वैल्यू लिख दी थ्री, टू पी वाले के लिए एन की वैल्यू लिख दी टू, एल की वैल्यू इसके लिए लिख दी जीरो, एल की वैल्यू इसके लिए लिख दी फट से वन लिख दी। ठीक, अब देखो तुमने एन प्लस एल लिख दिया इधर भी, एन प्लस एल इधर भी लिख दिया, फटाक से रूल तुम लगा रहे हो, एकदम दिमाग लगा रहे हो। अब देखो एन की वैल्यू लिख दी थ्री प्लस जीरो, थ्री आ गई इसकी वैल्यू, अब टू प्लस वन इधर लिख दिया तुमने, थ्री आ गई इसकी वैल्यू, अब तुम्हारा दिमाग चकरा गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं एन की वैल्यू, थ्री एस वाले के लिए एन की वैल्यू है थ्री और टू पी वाले के लिए एन की वैल्यू टू है, तो जिसकी एन की वैल्यू अधिक होगी उसकी एनर्जी अधिक होगी, ऐसा एन प्लस एल रूल ने कहा। ठीक, यानी कि थ्री एस की एनर्जी अधिक होगी टू पी से, समझ गए। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए, यही स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है। अब आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं, ये एक डायग्राम है। ठीक, डायग्राम हमें क्या बताता है, डायग्राम हमें बताता है कि कैसे हम ज्ञात, कैसे हम पता करेंगे किसकी एनर्जी अधिक है, ये डायग्राम हमें शो कर देगा। ठीक, याद करने का तरीका है ये, समझ लो, इससे पता चल जाएगा पहले 1s, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम, 1s के बाद 2s की एनर्जी, ठीक है, 2s के बाद 2p की एनर्जी, फिर उसके बाद 3s की एनर्जी, फिर उसके बाद 3p की एनर्जी, फिर उसके बाद 4s की एनर्जी, उसके बाद 3d की एनर्जी, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, फिर उसके बाद 5p, फिर उसके बाद 6s, फिर उसके बाद आएगा 4f, फिर उसके बाद आएगा 5d, फिर उसके बाद आएगा 6p, उसके बाद आएगा 7s, उसके बाद आ जाएगा 6p। ठीक, उसके बाद आ जाएगा 6d, उसके बाद आ जाएगा 7p, उसके बाद आ जाएगा 8s, उसके बाद भी आगे चलते जाएंगे, इसी तरह से आगे चलते रहते हैं। ठीक, तो सबसे कम वैल्यू, सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, 1s की हो जाएगी, और सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, 8s की हो जाएगी। पीछे हमने ये क्रम भी दिखाया था, यही क्रम दिखाया था ना, ये वाला क्रम जो दिखाया था इसी एनर्जी को लेकर के था, इसी एनर्जी डायग्राम को शो कर रहा था। लेकिन आपको अगर ये वाला ना याद हो, ये वाला क्रम याद ना कर पाओ, तो ये डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम से फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम भी ना याद हो पाए तो एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट ट्रिक ये है, SS PS, SS PS, PS DPS, DPS FDPS, FDPS, ये याद कर लो। ठीक, इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको याद हो जाएगी तुरंत और फटाफट से इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 वाले एस वाले से स्टार्ट किया, तो 1s, 2s, फिर एस वाला ढूंढा हमने, कोई नहीं मिला, ये मिल गया। ठीक है, 3s, ठीक, यहाँ पर पहुंच गए 4s, ठीक है, फिर इसके बाद एस वाला कोई मिल रहा है, ये मिला 5s, इसके बाद कोई एस वाला मिला, 6 मिला, 6s, ठीक है, इसी तरह से आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे डिटेल में नहीं बता, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक, अब जब पी वाले की नंबरिंग करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 वाले नंबर से, 1 वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, यहां से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4p, इसी तरह से आगे करते रहेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं डी वाले पे, डी वाले की नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d, 5d, ठीक है, 6d, इस तरह से। अब जब F वाले की स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4F, 5F, समझ गए। तो ये एनर्जी क्रम लिखा हुआ, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1s वाले में, फिर 2s वाले में, फिर 2p वाले में, फिर 3s वाले में, इसी तरह से एनर्जी क्रम लिखा हुआ, पूरा एनर्जी क्रम लिखा हुआ है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए पीछे डायग्राम, ये डायग्राम देख लो। ठीक है, ये डायग्राम जो लिखा हुआ है, देखो 1s की एनर्जी, फिर 2s की, फिर 2p की, 3p की, 3s की, ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, इसी तरह से लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे 1s वाले में, फिर 2s वाले में, फिर 2p वाले में, फिर 3s वाले में, फिर 3p वाले में,
फिर 4s वाले में, समझ गए। तो देखो अब एक चीज और, s वाले में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। p वाले में भरे जा सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएंगे जब, तो उसके बाद हम आ जाएंगे 2s वाले ऑर्बिटल में कूद के, ठीक है। अब फिर दो इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें 2s वाले में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे भी 2 भर दिए जाएंगे, तो उसके बाद भरे जाएंगे 2p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये भी 6 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएंगे तो आगे भरे जाएंगे, इसी तरह से भरे जाते हैं, ठीक। इसी तरह से आगे क्रम में हम चलते रहेंगे, ठीक। p वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हम इस पे थे। अब d वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। f वाले ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये भी याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा ये। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना और ये वाला रूल बिल्कुल रट लो, बिल्कुल याद कर लो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है तो ये वाला रूल याद होना चाहिए, समझ गए। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को होता है 1, ठीक है, इतना तो पता ही होगा यार, ठीक है। अब हम लोग अपनी शॉर्टकट ट्रिक लिख लेते हैं, ठीक। SS PS हमने इतनी लिखी क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है और भर इतने में ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने में ही भर जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमने इतना ही लिखा, इतनी ही शॉर्टकट लिखी। लिख सकते थे हम पूरा SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS पूरा लिख सकते थे पीछे, यार ये देखो पूरी लिख सकते थे हम, ये वाला पूरा क्रम लिख सकते थे। अगर इलेक्ट्रॉन इतने होते, जितने को इलेक्ट्रॉन दे पाओगे उतने लोगों को तो लिखोगे, जितने लोगों को खिला पाओगे उतने लोगों को तुमने उत्तम बुलाओगे, ज्यादा लोगों को तो बुला नहीं लोगे, ठीक है। तो हमने इतने लोगों को, 4 लोगों को बुलाया। अब हमने देखो नंबरिंग करना स्टार्ट किया, 1s 2s 3s, ठीक। अब p वाले की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 से, 2p। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक पूरी है, तो सबसे पहला जो आदमी आया था वो आया था 1s वाले को हमने धर दिया एक पूरी, हमारे पास पूरी खत्म हो गई, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, आगे वाले वापस हो गए, तो आगे वाले को तो कोई मतलब ही नहीं, तो फिर हटा दो उनको, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s1, समझ गए। अब आगे चल लेते हैं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 2, ठीक। SS PS नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 2, ठीक, समझ गए। अब भर दिया हमने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये 1s वाला, यानी कि s वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन धर दिया इनको। अब इनका इनका कक्षा पूरी हो गई, इनकी इनकी मतलब पेट भर गया, लेकिन अब आगे पूरी बची भी नहीं, अब आगे इलेक्ट्रॉन बचा भी नहीं, तो आगे तो बटेगा नहीं, तो आगे वाले फिर बर्बाद हो गए, आगे वालों को फिर कुछ नहीं मिला, तो इनको हटा दो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक। आगे आ जाते हैं लिथियम की ओर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक, SS PS, ठीक। तो लिख दिया 1s2 2s 2s, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ठीक है, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब आगे वालों को कुछ मिला नहीं, आगे वालों को तो हटा ही दो फिर, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, ठीक है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। अब आगे चल लेते बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो भरेंगे SS PS, लिख दिया 1s2 2s2, ठीक है, 2s2, यानी कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास थे, ठीक है,
चारी चारी पूरी थी बटने के लिए, चार पूरी बट गई। अब आगे वाले कुछ मिला नहीं, तो आगे वाले बर्बाद हो गए, खत्म हो गए इनका, इनका तो कोई काम ही नहीं रह गया। तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, एस एस पी एस। ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग कर दी, 2। ठीक, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनका पेट भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इनका भी पेट भर गया। अब क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है अभी, तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली कक्षा में जाएगा, आगे वाली कक्षा में जाएगा, यानी कि 2p वाले के पास जाएगा। अब 2p वाले के पास भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इनको नहीं मिला कुछ, तो इनका काम खत्म हो गया, इनको हटा दो। क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p 1। ठीक है, समझ गया होगे। अब बोरान पे आ जाते, बोरान के बाद कार्बन पे आ जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। ठीक, अब भरते हैं एस एस पी एस। ठीक है, तो 1 2 3 2। ठीक, यहां पर भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन 2p वाले को दे दिया, हो गया काम खत्म। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p 2। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन पे, एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, एस एस पी एस, 1s2 2s2 2p, कितना, 2p 3। समझ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p 3 नाइट्रोजन का। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर इसका। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, हमने लिख दिया एस एस पी एस। ठीक, तो 1s2 2s2 2p कितना, 4। 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, बाकी कितने बचे, 4 बचे, तो 4 हमने इसमें भर दिया 2p वाले में, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जो p वाला होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, बताया था ना पीछे, समझ में तो आया ही हुआ यार, ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p 4। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया। अब आ जाते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एस एस पी एस, 1s2 2s2 2p कितना भरेंगे, कितना भरेंगे, 5 भरेंगे, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, कितने बचे, 5 बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। ठीक है, तो इसका भी, तो अभी इसका पूरा नहीं हुआ, अभी अभी 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो और ले लेता, 2p वाला ऑर्बिटल, 2p वाला ऑर्बिटल अभी 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता था, लेकिन 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन खाके इसने काम चला लिया। ठीक, एस वाले को हटाई दो। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 5। अब आगे चल लेते हैं नियॉन पे, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक, तो इसका भरेंगे, इसमें भरेंगे एस एस पी एस, इस तरह से भरेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 2। पी वाले की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करते हैं ना। अब भरा, 2 इलेक्ट्रॉन में भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन में भर दिया, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन 2p वाला ले सकता है। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब इसका पेट भर गया। अब आगे अगर इलेक्ट्रॉन होता तो 3s वाले में जाता, लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 3s वाले में जाएगा नहीं, 3s वाले हटाई दो। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p 6, हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सोडियम पे, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, भर देंगे एस एस पी एस, 1 2 3, इसको इसमें 2 डाल दिया। ठीक है, इसकी नंबरिंग 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 लिख दिया यहां पर, 2p है यहां, 2s यहां पर, 3s। अब इस समझ में तो आ ही गया होगा पीछे। ठीक है, तो देखो 1s में 2 भर दिया, यहां पर, यहां पर भी 2 भर दिया। ठीक है, अब आ जाते 2p वाले में, 2p वाले में हमने 6 भर दिया, लेकिन अभी हमने गिनती करी 6 2 8 8 2 10, 10 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s वाले में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p 6 3s1। ठीक, आगे चले थे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, भरेंगे एस एस
पी एस हमने ले लिया, देखो वन टू थ्री, ठीक है टू, इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको छह इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनका पेट भर गया। अब बचे कितने, दो इलेक्ट्रॉन बचे, दो इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए। अब इसका भी पेट भर गया, 3s वाले का भी भर गया। अब आगे जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इसके आगे वाली कक्षा में भरे जाएंगे, आगे वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। आगे क्या होता है, एस एस पी एस, उसके बाद पी एस, आगे बताया था वो वाला रूल बताया था, समझ में आया था ना, तो पी एस इधर हो जाएगा, समझ गए, इस तरह से होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक समझ गए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। अब भरेंगे एस एस पी एस पी लिख लिया, ठीक नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, एस एस खत्म हो गया, अब पी की नंबरिंग करेंगे, 2 3, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इनका पेट भर गया, दो इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, ठीक इनको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन हमने इनको भी दे दिए। इनने भी कहा अब हम नहीं खाएंगे पूरी, अब हम इलेक्ट्रॉन नहीं खाएंगे, अब इसके ज्यादा हम नहीं ले सकते, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, इनका भी पेट भर गया, 3s वाले का पेट भर गया। अब क्या बचा, अब एक बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने 3p वाले में डाल दिया, तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, समझ गए। सिलिकॉन में आ जाते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। भर देंगे एस एस पी एस पी, ठीक है नंबरिंग कर लेते, 1 2 3, 2 इधर क्या लिखेंगे, 3, ठीक दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 12 हो गए, कितने बचे, दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो दो इलेक्ट्रॉन 3p वाले को दे दिए, बचा खुचा आइटम इनको दे दिया गया क्योंकि सबसे अंत में आए, ठीक तो बचा खुचा इनको दे दिया गया, दो इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गए, लेकिन अभी भी ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है इनके इनके सारे लोगों के इन लोगों ने सारे इनके सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इनकी कक्षा पूरी हो गई है, लेकिन इनकी कक्षा भी पूरी नहीं हुई है, ये वैकेंट है अभी, ठीक है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अभी और मिलता तो ये ले लेते, ठीक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक। अब आ जाते हैं फास्फोरस में, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15, ठीक है तो इसका लिख लेते हैं एस एस पी एस पी, 1 2 3, 2 3 लिख दिया। देखो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां पर कितने भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, समझे भर दिए। जब तक कक्षाएं आगे वाली कक्षाएं पूरी नहीं भर जाएंगी तब तक हम आगे वाली कक्षा में नहीं जाएंगे, ठीक तो यहां पर 2 भर दिए इनकी पूरी भर गई, यहां पर 2 भर दिए इनकी पूरी भर गई, यहां पर 6 भर दिए इनकी पूरी भर गई, अब यहां पर 2 भर दिए इनकी भी पूरी भर गई, कै हो गए, कै हो गए इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके, अब बचे कितने, 3, 3 बचे तो 3 इनको दे दिया गया, कै हो गए, अब हो गए 15, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं सल्फर पे, ठीक है सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 16, ठीक है तो लिख लेते हैं एस एस पी एस पी, 1 2 3, 2 3, देखो 2 2 6 2, कितना जल्दी बोलो कितना, 4 हो गया पूरा, 16 हो गए, गिन लो देखो 2 2 4 और 6 कितना, 10 12 4 16, ठीक है यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का। अब आ जाते हैं आगे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एस एस पी एस पी, ठीक है 1 2 3, 2 3 नंबरिंग कर दी, नंबरिंग अगर
करना तो जानी क्योंकि पीछे मैंने पूरा बताया ठीक। तो देखो टू लिख दिया यहाँ पर टू लिख दिया, यहाँ पर भी टू हो गए इलेक्ट्रॉन भर गए, यहाँ पर भी सिक्स भर गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिक्स के आगे भरेंगे दो, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, कई इलेक्ट्रॉन हो गए, बारह इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बचे, बारह के बाद सत्रह में बारह घटाओ कई बचे, पांच इलेक्ट्रॉन बचे, पांच छह सात। अब देखो पांच इसमें भर दिए ठीक। ठीक है समझ गए, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आगे चले जाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 ठीक, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। भर देते हैं s s p s p 1 2 3 2 3। यहाँ पर लिख दिया दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर छह इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर भी छह इलेक्ट्रॉन भर दिए, हो गए पूरे। देखो गिन लो, दो दो चार और छह दस, दो बारह और छह अठारह, ठीक है हो गए ऑर्गन का, यही हो गया ऑर्गन का, ऑर्गन का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, समझ गए। पोटेशियम का आ जाते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 ठीक है, एस एस पी एस पी एस। अब देखो एस वाला मैंने आगे बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर छह इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो आगे की जरूरत पड़ेगी ठीक। नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4, टू क्या लिख देते हैं यहां पर 3, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां छह इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां छह इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहां तक 18 हो गए थे, यहां तक हमने पीछे देखा था ना, पीछे यार आर्गन में देखा था ना, देखो यार आर्गन में देखा था, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर अब क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया, हो गया पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा, समझ गए। कैल्शियम आ जाते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ये लास्ट है, अब समझ लो लास्ट में भी ठीक से समझ लो। लिख देते हैं हम अपना वही वाला फॉर्मूला एस एस पी एस पी एस, लिख दिया, नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 ठीक है, 2 और 3। अब देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, इनका भी पेट भर गया, इसमें छह इलेक्ट्रॉन भर दिए, इनका भी पेट भर गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, इनका भी पेट भर गया, इसमें छह इलेक्ट्रॉन भर दिए, इनका भी पेट भर गया। अब कितने बचे, दो इलेक्ट्रॉन बचे, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, गिन लो, देखो दो दो चार और छह दस, दो दो चार और छह दस, ठीक है तो 20 हो गए इसमें पूरे। तो इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये समझ में आ गया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ओके थैंक यू सो मच, अब आगे मिलते हैं ठीक।